सबसे पहले अपने बहुपद के एलसीएम और एचसीएफ, यानी इसमें अपने एचसीएफ करेंगे और एलसीएम भी करेंगे। सबसे पहले ये एक पद ये है ए की थ्री बी की फोर, फिर दूसरा पद है ए और बी की थ्री, फिर ए की स्क्वायर और बी की एट आठ। तीनों पद को अलग लिखते हैं, ए की थ्री बी की फोर। ए की थ्री का मतलब ए इंटू ए इंटू ए, बी की फोर का मतलब बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, फिर दूसरा है ए और बी की थ्री, ए इंटू बी की थ्री, बी इंटू बी इंटू बी, ए की टू और बी की एट, ए इंटू ए बी की टू है और ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, एक सॉरी बी है, बी 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 की एट है, बी 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 बी, एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात और ये आठ। अब अपने को सबसे पहले लेना है एच सी एफ, सबको अपने विस्तार से लिख लिया। एच सी एफ में देखिए तीनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन होने का तीनों में मिलना चाहिए। ये ए ए ए एक बार मिल रहा है, फिर देखिए यहाँ ए है या नहीं है, या नहीं है, हो गया। फिर देखिए बी तीनों में कितनी बार मिल रहा है, यहाँ देखिए एक दो तीन बार है, यहाँ एक दो तीन बार है, यहाँ भी देखो एक दो तीन बार ले सकते हैं, यानी बी की छोटी घात लेनी है, कहने वालों बी जितनी बार मिलता है। ये हो गया इसका एच सी एफ, यानी ए में छोटा, यहाँ से निकाल सकते हो आप सीधा ए थ्री ए टू और ए, छोटा कौन सा है ए, यहाँ देखो बी फोर बी थ्री बी एट, छोटा कौन सा है बी थ्री, यहाँ से सीधा भी निकाल सकते हो। अब दूसरा है एल सी एम, एल सी एम, एल सी एम में बड़ा लेना है। देखिए बड़े से बड़ा ए की कितनी घात है, यहाँ ए है या ए टू है, ए थ्री है, बड़ी घात है ए थ्री, और बी की बड़ी घात देखो बी फोर बी थ्री बी एट, बी की बड़ी घात बी एट है। ये हो गया इसका एल सी एम। अब आगे वाला सवाल देखते हैं अपने, देखिए आगे वाले सवाल के अंदर अपने इसी प्रकार एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। अब हम इसको देखते हैं, देखिए यह है अपना एक पद है आठ ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर सी, दूसरा अठारह ए और बी की थ्री और सी की टू। आठ को लिखते हैं आठ ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर सी, आठ के गुणनखंड कर लेते हैं, दो गुणा दो गुणा दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, गुणनखंड करने आपको आते हैं। ए को दो बार नहीं, एक की घात लिख लेता हूँ, एक ए की दो बी की दो और सी, फिर अठारह ए बी की थ्री और सी की टू। अठारह गुणनखंड करते हैं, नौ दून अठारह यानी तीन दून छः, छः ती अठारह ए बी की थ्री और सी की टू। सबसे पहले अपने को निकालना है एल एच सी एफ, क्या निकालना है एच सी एफ, एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ निकालेंगे तो जो कॉमन मिलता है वो देखो, यहाँ दो का एक ही जोड़ा मिल रहा है, देखिए दो का एक ही जोड़ा मिल रहा है ना, और यहाँ देखो यहाँ दो तीन है दो नहीं है, यहाँ दो है या तीन नहीं है, तो एक तो दो आ गया। फिर ए में से छोटी घात लेगा तो कौन सी है, ए की स्क्वायर ए, छोटी घात ए, बी की थ्री और बी की टू, छोटी घात क्या है बी की टू है, सी और सी की टू है, सी और सी की टू, छोटी घात कौन सी है सी। ये हो गया आपका एच सी एफ, क्या हो गया एच सी एफ, ठीक है। फिर निकालेंगे अपने एल सी एम, क्या निकालेंगे एल सी एम। एल सी एम में क्या है कि ये जो 18 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो देखो दो ज़्यादा से ज़्यादा किस में आया, नहीं तो आप ऐसे निकाल लो,
उसमें थोड़ा सा आपको चक्कर पड़ जाएगा, 18, 8 और 18 दो का भाग देंगे 4, दो का भाग देंगे 9, दो का भाग देंगे 2 और 9, दो का भाग देंगे 1 और 9, तीन का भाग देंगे 3 और तीन का भाग देंगे 1, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 72, अंकों में तो 72 आ गया। अब देखिए इनमें व्यंजकों, बीज व्यंजकों में देखिए बड़ी घात कौन सी है, ए और ए टू, बड़ी घात ए टू है। बी टू और बी थ्री, बड़ी घात कौन सी है, बी थ्री है। सी और सी टू, बड़ी घात कौन सी है, सी टू है। ये आपका आ गया इसका एलसीएम। इस प्रकार आप इसके एलसीएम को कर सकते हैं। अब आगे वाला सवाल यह है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को लिख लो। 40 एस की स्क्वायर, वाई की स्क्वायर और जेड की कितनी है, 4। 40 के गुणनखंड कर लो अपने, गुणनखंड करने के लिए 40 के 2 20, दो का देंगे 10, दो का देंगे 5, 5 एकम 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब एक एक एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड की 4, 60 एक्स की स्क्वायर, वाई की 4, जेड की 2। 60 के गुणनखंड करो, दो का बार लगाओ 30, दो का बार लगाओ 15, दो तीन का बार लगाओ 5 और 5 का बार लगाओ 1, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब एक्स की स्क्वायर और वाई की 4 और जेड की 2। अब 72 एस की स्क्वायर, वाई की 3, जेड की 2। 72 के गुणनखंड करते हैं, 2 का 36, 2 का लगाएंगे 18, 2 का लगाएंगे 9, 3, 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। एक्स की स्क्वायर, वाई की 3 और जेड की 2। अब अपने को इसमें लगाना है, निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ कौन होता है, महत्तम समापत्यक। महत्तम समापत्यक देखिए, दो पहले दो कर देखिए गुणनखंड, ए ये देखिए एक बार मिल गया, एक बार निकाल लो। ये दूसरी बार देखो, ये इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, ये निकाल लो। तीसरी बार देखो, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये अब नहीं निकलेगा। अब तीन देख लो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तीन नहीं निकलेगा। फिर देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 भी नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ नहीं है, तो 2 2 निकल गए। अब देखो, अब इन घातों में देखिए, एक्स की स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर, छोटी घात एक्स स्क्वायर ही है। वाई की 2, वाई की 4, वाई की 3, छोटी घात वाई की 2 है, ठीक है। जेड की 4, जेड की 2, जेड की 2, छोटी घात जेड की 2 है। इस प्रकार से अपने इसकी घाते ले सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए, एलसीएम, एलसीएम लेने के लिए इन सब में देखिए, पहले इनका एलसीएम निकालें। गुणनखंड में निकालोगे थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो बाकी मैं गुणनखंड से बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, दो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार है, या 3 बार है, 3 ज़्यादा बार 2 बार है, और 5 ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार है। इन सबको गुणा करने पर एलसीएम आ जाएगा। यानी ये 2 देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ये 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 2 बार है। कहीं से भी हो, तीनों में से किस में भी ज़्यादा हो उसमें ले लेना है। 5 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर, एक्स की बड़ी घात एक्स स्क्वेयर है, वाई की बड़ी घात वाई की 4 है, जेड की बड़ी घात जेड की 4 है। दो दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजा 360, 72 पंजा 360। एक्स की स्क्वेयर, वाई की 4, जेड की 4। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपको साधारण भाषा में निकालना, तो ये देखिए 40, जैसे 40, 60 और 72, दो का बार लगाओ 20, 30, 36, दो का बार लगाओ 10, 15 और 18, दो का बार लगाओ
पंद्रह और नौ, तीन का वर्ग हो पाँच, पाँच तिया पंद्रह, तीन तिया नौ, तीन का लगाएंगे पाँच, पाँच एक पाँच, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, अड़तीस चौबीस, चौबीस बहत्तर, बहत्तर पंजे तीन सौ साठ, आगे सेम ही है। इस प्रकार से आप इनके लघुतम और महत्तम को कर सकते हैं। धन्यवाद।